नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब समय है यमुनानगर के कम्युनिटी अपडेट्स का। यदि आप अपने घर का ताला लगाकर कहीं घूमने या रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि चोरों की नजर आपके घर पर है जो आपके घर से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप घर से निकलेंगे, चोर आपके घर को निशाना बनाकर सब कुछ सामान चोरी कर ले जाएंगे। यह हम नहीं कह रहे हैं, लगातार बढ़ रहे चोरियों के आंकड़े इस बात को दर्शा रहे हैं। चोर रोजाना 3 से 4 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सबसे अधिक सुने घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में चोरों ने 3 सुने घरों और 1 स्कूल के ताले तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के गहने और सामान चोरी कर लिए। चारों मामलों में पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शुक्रवार को गोलनपुर गांव के पास अंडरपास के नीचे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। किसान ट्रैक के बीचों बीच दरी बिछाकर बैठ गए। इसके अलावा किसानों ने सड़कों पर 13 जगह पर भी जाम लगाया। हालांकि पहले किसानों द्वारा 8 जगहों पर जाम लगाने की बात कही गई थी, परंतु कुछ लीक मार्गों पर अचानक जाम लगा दिया गया। जाम लगाने से लोग काफी परेशान रहे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं रोडवेज बसें नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 11 मार्च को नाहरपुर में भाजपा कार्यकर्ता केंद्रनाथ बख्शी की हत्या के एक और आरोपित को CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपित साहिल को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि इस मामले में 2 अन्य आरोपित पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जठलाना थाना क्षेत्र के गांव नाहरपुर में मकान के सामने 2 मरले की जगह में ईंटें बिछवा रहे भाजपा कार्यकर्ता 70 वर्षीय पंडित केंद्रनाथ बख्शी और उसकी भतीजे संजीव पर 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया था। उन पर डंडों से वार भी किए गए, जिसमें केंद्रनाथ बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब उन्हें अस्पताल में लेकर गए तो वहां चिकित्सकों ने मृत बता दिया। इस मामले में 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मास्क न पहनने का चालान करने गई निगम की टीम का सेक्टर 17 के रेड क्रॉस मार्केट में विरोध हो गया। टीम यहां एक दुकान पर पहुंची, जिसमें महिला दुकानदार हुए 2 ग्राहक खड़े थे। दोनों ग्राहकों ने मास्क लगाया हुआ था। आरोप ये है कि निगम की टीम के करीब 8 लोग आए और दुकान में घुस गए, जिससे भीड़ हो गई। महिला ने इसका विरोध किया। हंगामा होने पर आसपास के दुकानदार एकत्र हो गए। दुकानदारों ने कहा कि यह गलत तरीका है। एक तरफ दुकान में अकेले बैठे दुकानदार का चालान कर रहे हो, दूसरी ओर खुद ही 8-10 लोग एक साथ घूम रहे हो। काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिस पर निगम की टीम को लौटना पड़ा। ये थे यमुनानगर के कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।